अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी का उन्वान है फरेबी दुनिया। एक दफा एक मुला ने सर पर कुलह नुमा दस्तार रखी हुई थी। खुद को बड़ा फसी व बलीग और यतीम खाने का सरपरस्त आला समझता था। ये दस्तार जाहरी तौर पर खूबसूरत नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से ऐसी थी जैसे मुनाफिक का दिल होता है। मुल्ला की ये पगड़ी न थी बल्कि किब्र का एक तिलस्म था जिसमें रौनक भरी हुई थी। दस्तार ऐसी बारी बर कम नजर आती थी जैसे कपड़े के एक बड़े थान से बनाई गई हो। ये पगड़ी लोगों को मरऊब करने के लिए बनाई गई थी ताकि लोग इसे बड़ा आलिम व फाजिल समझें। बूसीदा रोई के गाले, पोस्तीन की दजियां और बहुत से रंग बिरंगे छोटे छोटे पीस इस कुल्हे वाली दस्तार की बुनियाद थे। एक रोज वो मुल्ला वजनी दस्तार पहने हुए मुंह अंधेरे सुबह सवेरे किसी प्रोग्राम के मुताबिक घर से निकला। दूर से एक चोर ने देखा कि एक कीमती दस्तार वाला चला आ रहा है। जब मुल्ला इसके करीब पहुंचा तो इसने देखा कि पगड़ी बड़ी शानदार है और इसका कपड़ा बड़ा कीमती मालूम होता है। इसके फन ने इसे मजबूर किया कि वो इस कीमती दस्तार पर हाथ डाले। चोर ने झपट कर दस्तार मुल्ला जी के सर से उतार ली। वो दस्तार पकड़कर बाजार की तरफ भागा ताकि इसे बेचकर फायदा हासिल करे। वो खुशी से इस तरह दौड़े जा रहा था कि गोया इसके हाथ सोने की कान लग गई हो। मुल्ला जी ने बड़े तहमुल के साथ पुकार कर कहा, ओ मियां जाने वाले, पगड़ी खोल कर इसका मुलाहिजा तो कर। ये क्या चीज है, मेरी तरफ से तुझे हलाल है, फिर जी चाहे तो ले जाना। तू इसे जल्दी देख ले वरना देर करेगा और ज्यादा मायूस होगा। मुल्ला जी की आवाज सुनकर चोर ने भागते हुए पेच खम खोलने शुरू कर दिए। इसमें से रंग बिरंगी चीथड़े और दजियां निकलकर जमीन पर गिरने लगीं। इतनी बड़ी दस्तार से सिर्फ एक गज भर कपड़ा इसके हाथ में रह गया। इसमें किसी उस्ताद दर्जी ने पीस भरकर इसे नुमाइशी अमामा बनाया हुआ था। चोर ये रंग बिरंगे पीस देखकर हैरान व परेशान होकर खड़ा हो गया। इस बिखरे हुए गुलिस्तान का मालिक मुल्ला भी चोर के करीब पहुंच गया। चोर के हाथ में कीमती काटन का वो गज भर जो कपड़ा रह गया था, इसने वो भी जमीन पर गुस्से से फेंक दिया और मुल्ला को कहने लगा, ए अयार और मक्कार मुल्ला, तूने ये कैसा फरेब का जाल बिछा रखा था। मेरी सारी मेहनत इकारत हो गई, तूने मेरे साथ धोखा क्यों किया। ऐसा काम करते हुए तुझे जरा हया ना आई, मुझे फजूल ही एक गुनाही बेलज़त में मुबतला कर दिया। खुदा से डर और धोखाबाजी छोड़ दे, मखलूक की खुदा का ईमान क्यों जाया कर रहा है। ये दस्तार तुझी को मुबारक हो, हम तो खैर बदनाम थे ही मगर तू तो हमारा भी गुरु निकला। मुल्ला ने कहा, अजीजम, बेशक मैंने धोखा किया मगर तुझे इस दुनिया की हकीकत से बर वक्त आगाह भी कर दिया, यानी इस दुनिया की मिसाल भी इस खुशनुमा दस्तार की तरह है। बजाहिर देखने वाले को यह दुनिया भी बड़ी भारी और बेश कीमत नजर आती है मगर इसके अंदर
जो ऐब पोशीदा हैं ये इन्हें नजर नहीं आते। ए नौजवान, बहारों की ये दिलफरेबी और सहर अंगेजी ज्यादा देर नहीं रहती, खजाओं की सर्दी और जर्दी भी जरूर आती है। ऐ सोफी, जिनकी वफाओं पे बड़ा नाज था, वो भी हवाओं की तरह रुख बदल गए।